जैन माना गया, हमको छोड़ दिया गया, हमको हिंदू माना गया, मुसलमान सिख ईसाई माना गया, या छोटा बड़ा गरीब अमीर माना गया, या स्त्री पुरुष माना गया, लेकिन ऐसा कुछ सब पर समान रूप से नाम की बरसात हो गई और उसके बदले जीवों से कुछ से नहीं मांगे। इतनी बड़ी चीज कभी कोई देने वाला आया नहीं, नाम उनके पास था लेकिन इस तरह नाम को लुटाने का की आदेश नहीं था। तो जो उनके पास गया, सेवा श्रद्धा भाव से गया, तो उनको उन्होंने कान में नामदान दिया। लेकिन ये नहीं था कि हम तुमको नामदान दे रहे, जब तक तुम्हारी जीवात्मा जगेगी नहीं मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं, ये संकल्प नहीं लिया। ये संकल्प केवल इस धरती पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी का, और आज भी कोई नहीं कर रहा। आज भी जितने नाम प्रचलित है, चाहे वो हरि नाम हो, ये नहीं हरि कह रहे कि तब तुम हमारा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूंगा, ये वादा नहीं था। सीताराम का भी ये वादा नहीं कि जब तुम सीताराम कहोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मुसीबत आपत्ति दूर करूंगा, ये वादा होता था। और ये वादा कृष्ण नाम का भी नहीं कि जब तुम कृष्ण नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये वादा शंकर जी ने नहीं किया, जब तुम मेरा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। शंकर भगवान ने तो साथ साथ जप जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। शंकर जी कहते जाओ सतनाम का जाप करो, तुम्हारे अंदर शीतलता आ जाए, तुम विश्राम पा जाओगे, यानी अपने घर चले जाओगे, वहां हमेशा के लिए विश्राम पा जाओगे। लिखा तो सब कुछ है लेकिन बताने वाला होना चाहिए। रामचरितमानस का एक एक शब्द कोई बताने वाला नहीं, क्यों ये सब अच्छा ज्ञानी और उसमें सत्य ज्ञान वो भी संतों का है। वो तो संत ही कोई समय से आकर उन बच्चों को सुनाएगा, उसका सच्चा अर्थ बताएगा और उन बच्चों के अनुसार तुमको चला करके और घर पहुंचाएगा, ये उसका काम। इसलिए नाम की बरसात किसी नहीं, आवाज आपका दोनों की बरसात, नाम की बरसात हो रही है। और भौतिक जगत में जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है वो साहब की जल ही जीवन है, अन्य जीवन नहीं दिखा कहीं भी, जल ही जीवन है। और वो आप पर मालिश कर रहा, आपको तृप्त कर रहा, शांत कर रहा, आप पर पड़ने वाली उमस और गर्मी को शांत कर रहा, वो तो तुम्हारा काम कर रहा। तो तुम समझते नहीं, अरे इतना भीगो कि अंदर बाहर सब भीग, सब जिंदगी निकल जाए। जैसे भारी बारिश में ये धरती पर की ऊपर की गंदगी एकदम साफ हो जाती है, ऐसे यानी नाम की बारिश अपने अंदर में करो और सारी गंदगी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की ये सब खत्म हो जाए। इतना अच्छा अवसर आपको मिला, उसी अवसर से संबंधित ये जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व के रूप में आज ये मनाया। लोग जानते नहीं अभी, गुरु गुरु तो कहते हैं लेकिन शुरू शुरू भी रहते, उधर गुरु इधर शुरू, शराब में शुरू, मांस में शुरू, झूठ बोलने में शुरू, सर कपड़ में शुरू, व्यवचार उपचार में शुरू, यानी मतलब उधर गुरु इधर शुरू, तो फिर गुरु क्या कहेंगे। इसलिए गुरु ने कहा अरे गुरु को ऊपर ऊपर गाता अंतर में क्यों नहीं जाता, ये ऊपर ऊपर जय गुरुदेव जय गुरु के काम नहीं करे, इसको अंदर से भी आपको लेना पड़े। क्योंकि इतनी बड़ी महिमा और किसी नाम की नहीं। गुरु स्वामी जी महाराज ने सिद्ध किया है रामचरितमानस के उत्तर कांड में, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न हो,
ये करोड़ों राम जो संसार में पिछड़ित थे इनसे वर्तमान जीव की मुक्ति नहीं, उसको वर्तमान समय का नाम चाहिए और वो भी जगाया हुआ नाम चाहिए। पिछले नाम दोहराने से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा, तुम्हें तो अपने समय का नाम चाहिए और कलयुग के नाम की जानकारी किसी को है नहीं और बताई सुनाई गई तो उनकी समझ में नहीं आया। ये जयबुद्ध नाम प्रभु का किसी महात्मा किसी आदमी इंसान कर, ये कोई अपना नाम नहीं रख सकता, ये कोई नहीं कर सकता हम जयबुद्ध हो। अरे भाई कहोगे तो उसे धो पाओगे? पहली बात तो जिन्होंने संत कहा वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए, जिन्होंने सदगुरु कहा वो नहीं सिद्ध कर पाए, जब सिद्ध नहीं कर पाए तो आगे जेल में बंद कर दिए कि तुमने गुरु नाम का अपमान किया है, संत के नाम का अपमान किया है, सदगुरु के नाम का अपमान किया है, तुमको ये सजा ये सीधे जेल में। बाबा जी ने 1980 में कहा था कि जो लोग अपने नाम के आगे संत लिख रहे हैं, सदगुरु लिख रहे हैं, महाराज लिख रहे हैं, सरकार लिख रहे, अगर उनका काम सिद्ध न हुआ तो बच्चा एक दिन जेल का दरवाजा देता और धीरे धीरे से वो सब पहुंच गए और पहुंचते चले जा रहे वो पहुंच जाएंगे। असलियत क्या है वो तो तुम्हें दिखानी पड़ेगी, अगर नहीं दिखानी पड़ेगी तो जेल का दरवाजा देखना पड़ेगा। निश्चित इस्लाम की महिमा है, इस्लाम को आप ग्रंथित नहीं कर सकते और जिन्होंने किया उनको सब कुछ सजा मिलते। इसलिए बाबा जी ने कहा बच्चा सब कुछ बनना लेकिन गुरु मत, ये सबसे खराब था। जो सात जन्म आगे सात जन्म पीछे जीव के पापों को धोना जानता है वो गुरु, वो गुरु का काम करेगा, बनेगा नहीं काम करेगा। या जो भी काम करने आए उन्होंने अपने आप को कभी गुरु नहीं, न संत का न सदगुरु का न भगवान का न सरकार का, उन्होंने अपने आप को सेवादार कहा। मैं तो सेवक हूं, सेवा का आदेश मिला है सेवा करूंगा, तो उन्होंने सेवा करके दिखाया और आपको भी सेवा का पाठ पढ़ाया, इसलिए आप भी सेवक हूं गुरु नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान, क्योंकि गुरु बनना नहीं चाहता, जो काम करके दिखाएगा उसको लोग गुरु स्वयं कहेंगे, वो अपने आप को कभी नहीं कहेगा कि मैं गुरु हूं, मैं संत हूं, सदगुरु मैं, महाराज हूं, मैं सरकार हूं, मैं स्वामी कुछ। तुमने अपने आप को सेवादार माना है और आप भी सेवादार हो, इसलिए 2010 में बाबा जी ने स्पष्ट कहा कि बच्चा आज तक मैंने जितने आदेश दिए मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ, मेरे यहाँ न कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो, परिवर्तन सेवादारों से भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से वक्ताओं से नेताओं से। इस धार्मिक धरा पर न परिवर्तन कभी हुआ और न कभी होगा, इस बात का हमेशा ध्यान। ये नेता शब्द हमारे देश का नहीं, हमारे देश का शब्द है सेवादार। जो भी राजा बना उसने आपको प्रजा का सेवक समझकर और प्रजा को पुत्रवत पालन पोषण करने का संकल्प किया, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान रहा हो, सिख ईसाई कोई भी किसी जाति धर्म का रहा हो, लेकिन उसका संकल्प एक ही रहा कि मैं प्रजा का सेवक, मैं राजा नहीं सेवक। तो आज ये नेता सब राजा बन, राजा बन के क्या किया, सारा राज क्षेत्र सारी राजनीति व्यवस्था छिन्न भिन्न कुछ नहीं बचा। ये नकली राजा बनने का प्रमाण आपके सामने, कुछ नहीं हुआ,
इस भारत की जनता के लिए कुछ भी नहीं और इनके पास कुछ है भी नहीं, केवल स्वार्थ नीति है।